ऑनियन की पकौड़ी देखो आप, बिल्कुल अलग है यहाँ इस तरीके की। ये क्या है भैया? आलू वड़ा, साबुदाना वड़ा। ये हमारा वड़ा पाव, ये खाएंगे भाई, मस्त है। ये क्या है भैया? आलू वड़ा। आलू बड़ा? वड़ा पाव। वड़ा पाव या आलू बड़ा? ये आलू वड़ा, इसके सब पाव दिया तो वड़ा पाव हुआ। ओके, तो ये अभी ये किस, क्या पकौड़ी? ओनियन पकौड़ी। ओनियन पकौड़ी के लिए बना रहे हो? इसमें ओनियन के अलावा क्या रहता है? वो ग्रीन चिली डाला और नमक डाला। ग्रीन चिली और नमक। ये वाटरफॉल को क्या बोलते हैं, अम्बोली? अम्बोली वाटरफॉल। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये क्या है? ओनियन पकौड़ी। अच्छा, ओनियन की पकौड़ी ऐसी बनती है? कैसे दिए ये? 40 रुपये प्लेट। 40 रुपये प्लेट। कितने पीसेस देते हो? 6-7 आते हैं। ओके, और ये क्या है? ये साबुदाना वड़ा। ये मीठा होता है? मीडियम होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये सब चीज़ चलती है यहाँ पे। मैगी ऑमलेट। और ये क्या है? ये वही वड़ा है, आलू वड़ा है। अच्छा, इसको तलोगे आप? ओके। और मैं इधर एक क्लाइंट हूँ। अच्छा, आप क्लाइंट हो? हाँ, वेरी गुड। अच्छा, ये देखो, ये अम्बोली वाटरफॉल है जो कि गोवा से लगभग 80 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, महाराष्ट्र में पड़ता है। और यहाँ पर ये इन्होंने स्ट्रीट फूड लगा रखा है, लाइन से लगे हुए। तो यहाँ पे जो है, जो नॉर्मली चलते हैं जैसे मुंबई का वड़ा पाव, ये ऑनियन टिक्किया, ये ऑनियन की पकौड़ी देखो आप, बिल्कुल अलग है यहाँ इस तरीके की है, मिक्स ऐसे सब चीज़ें चलती हैं। ये मेरे को पहली बार देखने को मिला है, ये साबुदाना अलग है। फिलहाल अभी हम चाय यूज़ करेंगे। साहिल भाई घर है वड़ा पाव। साहिल, कैसा है वड़ा पाव? बढ़िया, मतलब जेन्युइन है खाने का। कितने का दिया ये? 15 रुपये का। अरे यार, अपने तो वहाँ पे तो बहुत महंगा मिलता है, 30 रुपये। क्या बात है, ये हमारा वड़ा पाव। चलो रख ले वड़ा पाव के साथ। ये क्या है? मिर्च है और ये सॉस है। तो ऐसे मिर्च के संग खाते हैं? अरे अच्छे, क्या बात है। सब एंजॉय कर रहे हैं वड़ा पाव, सब सबके हाथ में। और ये मैं चाय, थैंक यू भाई, ये एंजॉय करते हैं। ये वड़ा पाव, ये आलू का बनाया हुआ है ना? ये आलू का बना। और ये बेसन में मिला के और फिर ऐसे करते हो? अच्छा अच्छा अच्छा। तो बेसन में कुछ और भी मिला होता है क्या? नमक रहता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और? थोड़ा वो खाने के लिए वो सोडा रहता है ना। अच्छा, थोड़ा बहुत सोडा भी गिरते हो? थोड़ा थोड़ा सा पिंची। अच्छा, थोड़ा सा। केचप दे देंगे। क्या नाम भैया आपका? क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश, आप यहीं से हो? हाँ। महाराष्ट्र से या गोवा से? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, क्या बात भाई। यहाँ का बड़ा पाव वाकई में बड़ा पाव। मिर्च भी रहा भाई। ये प्याज की पकौड़ी है, ये भी ट्राई करके देखते हैं। भजिया भजिया भजिया, लोकल लैंग्वेज यार। वो भजिया भाई, भजिया। ये देखो मिक्सिंग चल रही है, इसे भजिया बोलते हैं? भजिया, हाँ भजिया बोलते हैं। प्याज रहती है इसमें? हाँ, प्याज रहती है। अच्छा, वैसे प्याज की पकौड़ी बोल सकते हैं। चलो चलो, मैं अभी मक्का खा रहा हूँ। सॉफ्ट है, टेस्टी है, बड़ा है, मजा आ गया। दो दे दो। बॉईल करते हो आप? बॉईल करके देते हो? अच्छा, मिक्सिंग में मसाले। अच्छा, इससे झाड़ लेते हो आप? फिर हमें इसमें क्या मसाले? हाँ, डालते हैं। सब डालेगा? उबाले सोले? हाँ, उबाले सोले। कितने? कौन सा मसाला है? चाट मसाला। चाट मसाला। और मिर्च लगाते हैं, नमक नहीं लगाते हैं। नमक मिक्स है, साल्ट है उसमें, मिक्स है। अच्छा, नमक मिर्च मिक्स है इसमें? ओके। ये नींबू ने छोड़ दिया। कितना है? चम्मच है, हाथ में से ले लो। ये खाएंगे भाई, मस्त है। भैया यहाँ का एड्रेस और बता दो, एड्रेस क्या है? एड्रेस क्या है?
ये मुक्काम अंबोली तालुका सावंतवाड़ी जिला सिंधुदुर्ग। ओके थैंक यू भैया, ब्लॉग को एंड करता हूँ महाराष्ट्र से। राम राम सर सभी को। संभागणी सर राजस्थान राजस्थान बना के दिखाना, एक पकौड़ी बना के दिखाना। थोड़ा टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेगा। ये थोड़ा अच्छा मिक्स कर रहा हूँ, बेसन डालेंगे।